कुछ गल्ला मैं ये पिछले समय से झात मारा तो जो साढ़े वार्ड में कमियां पेशियां रही हैं जिस दे विच वाटर सप्लाई दूषित पानी की समस्या सीवरेज सफाई की व्यवस्था होर कई इदा दहूलत जिन्हों तो लोग वांझे रहे हैं। सानूं कुछ गल्लां सामने आ रही हैं कि सत्ताधारी पार्टी वालों वोटरां दे बहुत दबाव बनाया जा रहा है। जे कोई वोटर किसी दे नाल गलबात करता है जां किसी कैंडीडेट दे नाल चुनाव विच शमूलियत करता है उसनूं सत्ताधारी पार्टी वालों डराया धमकाया जा रहा है। समां बहुता दूर नहीं है क्योंकि अगा 6 महीने मगर रह गए हैं विधानसभा चोणां नूं और जल्द ही पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनेगी। डीएच न्यूज़ ते आप जी का स्वागत है जी। तो अज असी सुल्तानपुर लोधी विखे पहुँचे हुए हैं। इस वेले असी वार्ड नंबर 12 दे विच पहुँचे हुए हैं जिथों जतिंदर सेठी जी श्रोमणी अकाली दल वालों चोन लड़ रहे हैं। तो मैं दसना चाहता जतिंदर सेठी जी साढ़े पत्रकार वीर भी ने सीनियर पत्रकार भी ने ते काफ़ी इन्हों का शहर के नाम ही आते हमेशा ही ये जिहड़ियां शहर दीआं समस्यावां वा उन्हां नूं हाईलाइट करते रहेंगे। तो इस वेले अपनी किस्मत अजमा रहे सुल्तानपुर लोधी तो वार्ड नंबर 12 तो आओ आप इन गलबात साझी करते हैं कि किहड़े मुद्दियां ते चोन लड़ रहे। सत श्री अकाल जी सेठी साहब। सत श्री अकाल जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मैं जतिंदर सेठी बतौर उम्मीदवार श्रोमणी अकाली दल वार्ड नंबर 12 सुल्तानपुर लोधी तो चोन लड़ रहा हाँ। मैं ये जिहड़ी चोन लड़ रहा हाँ ये मेरा मेन मकसद है समाज नूं ते अपने वार्ड नूं एक सही दिशा देना ते लोगां दी सेवा विच हर वेले तत्पर रहना। कुछ गल्लां मैं जे पिछले समय ते झात मारां तां जो साढ़े वार्ड विच कमियां पेशियां रहियां हन जिस दे विच वाटर सप्लाई दूषित पानी की समस्या सीवरेज सफाई की व्यवस्था होर कई इदा दहूलतों जिन्हों तो लोग वांझे रहे हैं। मैं वार्ड नंबर 12 के वोटरां नूं यकीन दवाना हाँ कि मैनू एक सेवा का मौका दिओ क्योंकि एक तुहाडे वल्लों दिता गया मौका ही एक सही दिशा वल लैके जाएगा। मैं तुहाडे नूं भरोसा दवाना हाँ कि मैं वार्ड नंबर 12 के वोटरां अते शहर निवासियों नाल जो भी वादे करांगा उस ते खरा उतरांगा जी। सेठी साहब जी अजकल एक होर लोगों के जी चर्चा वा लोगों का ध्यान इस पास क्योंकि देश की आज़ादी आए नूं बड़ा लंबा समा हो गया तो हजे तक जिहड़ा विकास आ वो पिंडां शहरां दा भी गलियां नालियां तक ही जिहड़ा सीमित होकर रह गया इस तो अगे जिहड़ा विकास नहीं वधिया। तो आम तौर पर राजनीति बारे लोगों की हुण हौली हौली राय यह बन जाती है कि जदों चोणां हुंदियां ने उदों तां लोगों के घर घर भी जांदे आ ते सारा कुछ करदे आ ते जदों चोणां लंघ जांदियां ते फिर पल्ला नहीं फड़ाउंदे। तो तुसीं भी इस तरह का नहीं करोगे तुहाडा किस वजह विचार आ भी तुसीं किस तरह जिहड़ा विचरोगे। मैं जी परमात्मा नूं हाजर नाजर जाण के अज आप जी नूं भरोसा दवाना हाँ कि जो आम राजनीतिक पार्टियां दे नुमाइंदे जां लीडर करदे हन कि वोटां वेले ही सिर्फ नज़र आंदे हन ते अगे पिछे पब्लिक दी बाह नहीं फड़दे, मैं उन्हां विच्चों नहीं हाँ क्योंकि मेरा जिहड़ा परिवार है शुरू तो ही सेवा भाव ते कुरबानी नाल जुड़िया होया है। मेरे फादर साहब ने भी पिछले 30-40 साल तो 42 साल तो लोगों की सेवा की है। सन 2003 में कौंसलर भी बने सी अते लोगों की सेवा की। उन्होंने हमेशा ही जिहड़ी अपनी आवाज़ है वो लोगों की भलाई वास्ते ही उठाई है और मैं आप जी नूं यकीन दवाना हाँ कि मैं उन्हां दे पूर्णियां दे चलदे होए अपना जिहड़ा पूरा जीवन आ ईमानदारी नाल लोगों की सेवा विच बतीत करांगा जी। तो सेठी साहब जी जे आपां समुचे सुल्तानपुर की गलबात करिए तो वह किहड़ियां गल्लां ने किहड़ियां मंगां ने लोगों दीआं जिहड़ियां समुचे सुल्तानपुर लोधी दीआं ने। समुचे सुल्तानपुर दीआं तां मंगां यही आ कि इत्थे साफ सुथरा शासन रहे,
गुंडागर्दी तो परहेज किया जाए, क्योंकि जिहड़ियां भी सत्ताधारी पार्टी है इस वेले पंजाब च राज कर रही है उन्होंने एक वोटरां विच शहर विच एक डर दा माहौल पैदा किया होया है। असी भी अपनी चोण मैदान विच लोगों को डोर टू डोर बेनती करते हाँ, पर सानू कुछ गल्लां सामने आ रही हैं कि सत्ताधारी पार्टी वालों वोटरां दे बहुत दबाव बनाया जा रहा है। जे कोई वोटर किसी दे नाल गलबात करता है जां किसी कैंडीडेट दे नाल चुनाव विच शमूलीयत करता है उसनू सत्ताधारी पार्टी वालों डराया धमकाया जा रहा है। मैं वोटरां नू ये अपील करता हाँ कि इन्हां सत्ताधारी पार्टी दियां चालां तों परहेज करन, क्योंकि समा बहुता दूर नहीं है, क्योंकि अगा 6 महीने मगर रह गए हैं विधानसभा चोणां नू, और जल्द ही पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनेगी और सरदार प्रकाश सिंह जी बादल पंजाब के मुख्यमंत्री होणगे। और सुल्तानपुर लोधी विच डॉक्टर उपिंदरजीत कौर साबका खजाना मंत्री जो कि सुल्तानपुर लोधी हल्के की नुमाइंदगी करते हैं और करते रहे हैं, उन्होंने इलाके का बहुत सर्वपक्षी विकास करवाया है। और मैं भी अज प्रण लैंदा हाँ कि उन्हां दे पूर्णियां दे चलदे होए मैं लोगों की सेवा करांगा ते अपना जिहड़ा जीवन है श्रोमणी अकाली दल पार्टी दे लई ही कम करांगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो सेठी साहब की वधिया सोच आ कि जिहड़े सांझे काम ने समुचे काम ने उन्हां दी कोशिश होएगी कि समुचा जिहड़ा सुल्तानपुर लोधी का जिहड़ा विकास आ कराया जाए। तो वैसे तो वोटां इसे करके ही पैंदियां ने कि जिसनों चाहन लोग चुन सकते हैं, तो साढ़े वालों भी अपील बेनती है सारे वोटरों भी कि बगैर किसी भय तो बगैर किसी इलाज तो जी वोट पानी चाहिए है। जिहड़े भी उम्मीदवार को तुम चंगा समझते हो उन्हों वोट पाओ। जे चंगे बंदे राजनीति दे विच आउणगे तो ही सुधार हो सकता, नहीं तो आप देख ही लिया भी 70 सालों के जो देश का हाल जिस पास देश जा रहा वा। तो चंगी गल आ सेठी साहब होनी पढ़े लिखे ने, पत्रकार ने, नौजवान ने, तो मैनू लगता कि जो इन्होंने अपने नाल गल्लां बातां कीतियां उत्ते खरे उतरणगे। सिटी साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर, धन्यवाद जी।